नमस्कार दोस्तों। तो आईपीएल का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही समय बाद आईपीएल शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आईपीएल में मुंबई इंडियंस के पूरे शेड्यूल के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे कि मुंबई इंडियंस अपने मैचेस कब कब खेलेगी और कहां कहां खेलने वाली है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइफ को सब्सक्राइब करें और वीडियो में सारी जानकारी डिटेल में है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप भी एमआई के जबरे वाले फैन हैं तो वीडियो को नीचे से लाइक जरूर करें। शेड्यूल के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि मुंबई इंडियंस की इस टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। प्लेइंग 11 में हमें ओपनर के रूप में दिखने वाले हैं रोहित शर्मा और उनके साथ करेंगे क्विंटन डी कॉक। यहां पर क्विंटन डी कॉक की जगह क्रिस लिन को भी जगह मिल सकती है क्योंकि वो भी अच्छी फॉर्म में है। उसके बाद नंबर 3 पर होंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर होंगे ईशान किशन, नंबर 5 पर होंगे कायरन पोलार्ड, नंबर 6 पर होंगे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर होंगे कुरनाल पांड्या, नंबर 8 पर होंगे राहुल चहर, नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर टेरेंट बोल्ड या फिर नाथन कोल्टर नाइल को जगह मिल सकती है और नंबर 11 पर होंगे लशित मलिंगा। अब बात करें मुंबई इंडियंस के शेड्यूल की तो मुंबई इंडियंस आईपीएल का पहला मैच खेलने वाली है और आईपीएल का पहला मैच होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट 29 मार्च को मुंबई में और मैच शुरू होगा शाम को 8 बजे। उसके बाद मुंबई इंडियंस अपना अगला मैच 1 अप्रैल को खेलने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट हैदराबाद में और मैच की टाइमिंग रहने वाली है शाम को 8 बजे। उसके बाद मुंबई इंडियंस अपना तीसरा मैच खेलने वाली है 5 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगेंस्ट मुंबई में और ये मैच शाम को 4 बजे शुरू होगा। उसके बाद अगला मैच मुंबई इंडियंस खेलने वाली है किंग्स इलेवन पंजाब के अगेंस्ट 8 अप्रैल को और इस मैच की लोकेशन रहने वाली है मोहाली और टाइमिंग की बात करें तो शाम को 8 बजे ये मैच शुरू होगा। उसके बाद मुंबई इंडियंस अपना अगला मैच खेलने वाली है 12 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट और ये मैच शाम को 8 बजे शुरू होगा और लोकेशन इसकी रहने वाली है कोलकाता। उसके बाद मुंबई इंडियंस अपना अगला मैच 15 अप्रैल को फिर से अपने होम ग्राउंड में खेलेगी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट और ये मैच शुरू होगा शाम को 8 बजे। उसके बाद अपना अगला मैच मुंबई इंडियंस खेलने वाली है किंग्स इलेवन पंजाब के अगेंस्ट अपने ही होम ग्राउंड में और ये मैच खेला जाएगा 20 अप्रैल मंडे को और मैच की टाइमिंग रहने वाली है शाम को 8 बजे। उसके बाद मुंबई इंडियंस अपना अगला मैच फिर से 24 अप्रैल फ्राइडे को चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट खेलेगी चेन्नई में और ये मैच शुरू होगा शाम को 8 बजे। उसके बाद अगला मैच मुंबई इंडियंस खेलने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट मुंबई में जो कि शाम को 8 बजे शुरू होगा और इस मैच की डेट रहने वाली है 28 अप्रैल ट्यूसडे। उसके बाद मुंबई इंडियंस अपना अगला मैच 1 मई फ्राइडे को खेलने वाली है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट मुंबई में और ये मैच भी शाम को 8 बजे शुरू होगा। उसके बाद मुंबई इंडियंस अपना अगला मैच खेलने वाली है 6 मई को दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट दिल्ली में और ये मैच भी शाम को 8 बजे शुरू होगा। उसके बाद अपना अगला मैच मुंबई इंडियंस खेलने वाली है 9 मई सैटरडे को सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट मुंबई में और टाइमिंग इसकी भी शाम को 8 बजे ही रहने वाली है। उसके बाद अपना अगला मैच मुंबई इंडियंस खेलने वाली है 11 मई मंडे को राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट और ये मैच होने वाला है जयपुर में और इसकी टाइमिंग रहने वाली है शाम को 8 बजे। उसके बाद मुंबई इंडियंस अपना लीग स्टेज का आखिरी मैच खेलेगी 17 मई को संडे को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगेंस्ट और ये मैच शाम को 8 बजे से बेंगलोर में खेला जाएगा। तो ये था मुंबई इंडियंस का इस आईपीएल का पूरा शेड्यूल। आप कमेंट करके बताइए कि आप इन लोकेशन में से कौन सी जगह पर मैच देखने जाएंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।